सो हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू अनुप्रिया लवली यू चैनल मैं हूं अनुप्रिया आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लोटस हर्बल का ये यूथर क्रीम ये डे क्रीम है इसमें काफी सारी ह्यूज रेंज है जिसमें सिरम भी आता है नाइट क्रीम आती है और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग आती है और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है इस तरीके का ग्लास कंटेनर जिसमें आपको ये प्रोडक्ट मिलता है अभी हम आगे इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे पहले ये प्रोडक्ट जान लेते हैं कि किस लिए इस्तेमाल होना है ये बेसिकली है स्पेशली एंटी एजिंग क्रीम है अगर आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं तो उसके लिए ये काम आने वाला है इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गिनी प्लेक्स है गिनी प्लेक्स एक प्लांट की रूट होती है बेसिकली ये प्लांट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है जो कि आपके रिंकल्स और आपके फाइन लाइंस के ऊपर काम करेगा इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है ये ऑलरेडी मेंशन है इसमें एसपीएफ ट्वेंटी है पीए प्लस प्लस भी है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप वाले से इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई स्किन टाइप वाले क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते वो हम आगे बात करेंगे अभी यहां पर आपको डायरेक्शन बता देते हैं कि क्लींस करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है इससे पहले आपको क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं वो भी आपको बताया गया है कि अगर आप बिगनर हैं वैसे तो आजकल सभी को मालूम है सीटीएम करना कितना ज्यादा जरूरी है लेकिन फिर भी स्टिल कुछ एक बिगनर होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता कि किस तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है तो वो भी मैंशन किया गया है जो कि इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसमें आपको क्या करना है अपने फेस को क्लिन करना है टोनिंग करनी है उसके बाद आपको सिरम अप्लाई करना है और उसके बाद आपको क्रीम लगानी है इसी तरीके से अगर आप नाइट क्रीम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको टोनर सीरम और उसके बाद आई क्रीम और उसके बाद नाइट क्रीम अप्लाई करनी होती है तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है यहां पर आपको सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएगी रिजल्ट्स इसमें बताया गया है कि सात दिन के अंदर अंदर आपको करना होता है आपके अगर फेस के ऊपर ब्लिमिश स्पोर्ट्स है डार्क स्पॉट्स हैं पिंपल्स के बाद जो स्पॉट्स हो जाते हैं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसे भी ये दूर करने में आपकी हेल्प करेगी ये सेवन डेज में आपको रिजल्ट देने वाला है जो कि लोटस के हर ब्रांड के ऊपर लिखा होता है लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ट्राई देना भी चाहती है तो आपको सेवन से ज्यादा दिन ही देने पड़ेंगे आई थिंक दो हफ्ते तो आपको ट्राई देना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा लेकिन अगर अगर आपके स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है तभी क्यों क्योंकि आगे अभी आपको बताती हूं अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन ट्रेवल फ्रेंडली नहीं है आ, यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं देखिए कितनी ज्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी के साथ आता है तो बहुत ज्यादा ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं है थिक कंसिस्टेंसी नहीं है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए हो अगर मैंने आपने ध्यान दिया हो मैंने पहले बोला था कि ड्राई स्किन के लिए क्यों अच्छी नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ही ऐसी है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी बहुत ज्यादा लाइट वेट है चिपचिपी नहीं है आप देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर की ये है आप देखिए व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर का इसका जो टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ऐसा नहीं है कि थिक टेक्सचर है जो आप ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइज कर पाए तो इस प्रोडक्ट को आपको कैसे अप्लाई करना है जस्ट डॉट डॉट इस तरीके से आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इसे ब्लेंड करना है ताकि एंटी एजिंग क्रीम को हमेशा हम इसी तरीके से लगाते हैं नॉर्मली कोई भी क्रीम हो हम इसे ऐसे ही लगाते हैं ताकि अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी स्किन का मसाज हो पाए और रिंकल्स या फिर जो हमारे फाइन लाइन है वो दूर हो पाए क्रीम जो है वो डीपली जाकर आपके स्किन को नरिश करती है और आपको एक अच्छा ग्लो भी देगी इसके साथ साथ और अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन भी दूर होगी अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको इसका छोटा पैक इस्तेमाल करना चाहिए मैं बड़ा पैक नहीं रिकमेंड करूंगी और दूसरी चीज अगर आप क्या कहते हैं अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम सेंसिटिव है तो आपको ध्यान रखना है कि पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें अल्कोहल है तो ड्राई स्किन वालों को ये और ज्यादा ड्राई बना सकती है तो आप दे सकते हैं ट्राई लेकिन ये स्पेशली इसमें मेंशन भी है कि ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए है तो आप ना ही ट्राई करें मैं आपको ये बोलूंगी अदरवाइज ये अच्छी है इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी स्ट्रांग है तो अगर आपको कई लोगों को प्रॉब्लम होती है स्ट्रांग फ्रेगनेंस से तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूं कि अगर आप बेयर कर सकते हैं तो आप इसे परचेज कीजिए नहीं फ्रेगनेंस स्ट्रांग फ्रेगनेंस पसंद आती तो आप ना इसे कीजिए यूज अगर अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है अगर आप अल्कोहल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर है और इजिली आपके स्किन के अंदर चला जाता है मॉइस्चराइज कर देता है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं अब बात की जाए तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है परचेज कर सकते हैं चाहते हैं परचेज करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को दबा लीजिए ये बिल्कुल टोटली फ्री है कोई पैसा नहीं पे करना है आपको सब्सक्राइब करने का टोटली फ्री है तो फटाफट फड़ से सब्सक्राइब कर ले प्रोडक्ट छोटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बड़ी क्रीम का भी डाल दूंगी ताकि आप आराम से बेफिक्रके इन्हें परचेज कर सके तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बु बाय टेक केयर